हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। आज हम पनीर का पराठा बनाएंगे। तो पनीर का पराठा बनाने के लिए हमने लिया है ये 1 कटोरी आटा, और आटे को डालेंगे हम इस बाउल में और इसका एक सॉफ्ट डो बना के रेडी करेंगे। जैसे हम नॉर्मल पराठों का अपना बनाते हैं डो, उसी तरह से हम एक सॉफ्ट डो बना के इसका तैयार करेंगे। उसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, और इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसका एक सॉफ्ट डो बना के रेडी करेंगे। इस तरह से अच्छे से मल के, जैसे हम अपने पराठे के लिए नॉर्मल आटा लगाते हैं, ऐसे ही हम पनीर के लिए भी यही सॉफ्ट डो बना के रेडी करेंगे। देखिए, हमने डो बना के रेडी कर लिया है और ये काफ़ी सॉफ्ट डो बना है। तो इसमें हम थोड़ा सा घी लगा के और इस तरह से 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पे इसे छोड़ देंगे, जिससे हमारा आटा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और इसे ढक के रख देंगे जब तक हम अपनी पनीर की स्टफिंग बना के तैयार करते हैं। देखिए, हम लेंगे एक पनीर और पनीर को इस तरह से इसे कद्दूकस करेंगे, इस तरह से हम सारा पनीर अपना कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, और अब इसमें जाएंगे मसाले। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, धनिया पाउडर, नमक, क्योंकि हमने डो में भी नमक डाला था तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया, और लास्ट में जाएगा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। तो इसे मैश करते हैं अच्छे से। इस तरह से आप चाहें तो इसमें बारीक कट करके प्याज भी डाल सकते हैं, मैं इसमें प्याज नहीं डाल रही। तो बस पनीर की स्टफिंग हमारी रेडी है, और आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आइए, डो को हम चेक करते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, तो डो हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा हम और इस तरह से मिलाएंगे। और इसका एक इस तरह से लोई लेंगे और अपने इस तरह से रखेंगे। और इसमें हल्का सा सूखा आटा लगा के और इसे इस तरह से बेलेंगे। बस हम इतना ही बेलेंगे। अब इसमें रखेंगे हम अपनी स्टफिंग पनीर की तरह से। ये देखिए, मैंने इतनी रखी है, इस तरह से हल्की सी इसे फैला लेंगे और इसे इस तरह से चारों तरफ से मोड़ते हुए और इसे अच्छे से इसे प्रेस करते हुए इसे दबा देंगे इस तरह से।
इस तरह से, और हल्का सा इसमें फिर से सूखा आटा लगा के इस तरह से, और हम इसे हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए बेल लेंगे इस तरह से। पनीर का पराठा बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें बना के। इस तरह से हमारा पराठा बिल के रेडी है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से, और अपने तवे को करेंगे गर्म। देखिए फ्रेंड्स, हमने तवा रख दिया है और तवा हमारा गर्म हो चुका है, अच्छा गर्म हो चुका है। तो फ्लेम को करेंगे स्लो और इस पे डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच घी, और इसे अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से। और अपना ये पराठा इसमें ट्रांसफ़र करेंगे इस तरह से, और इसे अच्छे से सिकने देंगे। जब तक हम हमारा ये पराठा सिकता है, हम अपने और पराठे बना के रेडी करेंगे। देखिए हम अपना पराठा पलट देंगे इस तरह से, और इसमें फिर से इस तरह से घी डालेंगे, कुछ ऊपर से डालेंगे। और नीचे से भी इसी तरह से चिट्टीदार हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा अच्छे से सिक के रेडी हो चुका है, देखिए दोनों साइड से। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम अपने बाकी के पराठे भी इसी तरह सेक लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, पनीर का पराठा हमारा बनके रेडी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि मेरा ये पनीर का पराठा की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।